Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Ruby Dress Design. So guys, today I am very excited to share this dress with you. This is my one of the favorite dress and basically इस dress की designing video मैंने just before 2 years पहले अपने YouTube channel पर share की थी in navy blue color and this was my second dress of YouTube की वो मेरी second dress थी. So recently guys उस dress को मैंने again wear किया था and again wear करने के बाद मैंने एक reel shoot करके अपने Instagram and YouTube दोनों पर ही upload कर दी थी, जिसके बाद आपके इतने सारे comments आए, आप लोगों ने इस dress को इतना ज़्यादा पसंद किया. एवरी वन वॉज आस्किंग अबाउट द ट्यूटोरियल वीडियो, अबाउट द कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो. सो टूडे आई हैव डिसाइडेड टू शेयर दिस शर्ट कॉलर टाइपिस फ्रंट ओपन पॉकेट कुर्ती विद यू स्टेप बाई स्टेप. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो. इन दिस वीडियो आई एम शेयर यू दैट हाउ टू डिज़ाइन दिस ड्रेस इन ए वेरी सिंपल एंड ईजी वे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, फर्स्ट आई एम यूजिंग 3.5 मीटर ऑर्चिड फैब्रिक जिसकी विड्थ 60 इंचज़ है. सो गाइज, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग द नेम ऑफ दिस फैब्रिक. सो इस फैब्रिक का नाम ऑर्चिड फैब्रिक है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है गाइज. मुझे पर्सनली ही ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आया था. सो फर्स्ट हम बॉडीज़ की कटिंग कर देते हैं विद दी हेल्प ऑफ पेपर. सो पेपर को 2-फोल्ड कर लेंगे, देन हम लेंथ के लिए मेज़र करेंगे. 15 इंचज़ की लेंथ हम बॉडीज़ के लिए लेंगे, इसको हम फ्रंट पार्ट भी बोल सकते हैं. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, देन उसके बाद हम प्लेकेट के लिए मार्किंग करेंगे. 2-2 इंचज़ पर प्लेकेट के लिए मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे. सो बेसिकली गाइस, ये शर्ट टाइप कुर्ती है जिसकी कटिंग बहुत ही अलग तरीके से होती है, सिंपल तरीके से नहीं होती. सो फर्स्ट हम शोल्डर के लिए यहाँ 7 इंचज़ पर मार्क करेंगे, देन उसके बाद हम आर्म होल के लिए 7.5 इंचज़ पर मार्क करेंगे. दोनों को मार्क करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. आफ्टर दैट हम इधर साइड भी 7.5 इंचज़ पर मार्क करेंगे एंड एक बॉक्स बना लेंगे. सो गाइज, वीडियो को इजी बनाने के लिए हम फर्स्ट पेपर पर मार्किंग कर रहे हैं, जिसकी एक एक मेजरमेंट हम मेंशन करके दिखा रहे हैं. सो इसके बाद हम बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे 9 इंचज़. सो 9 इंचज़ बस्ट इज़ फिट फॉर 36 इंचज़ बस्ट फिटिंग. सो जिसकी बस्ट फिटिंग 36 इंचज़ है उसके लिए 9 इंचज़ पर मार्क करेंगे. देन वेस्ट के लिए हम 8 इंचज़ पर मार्क करेंगे. सो गाइज, दिस इज़ अ मीडियम साइज़ बस्ट कटिंग. यू कैन एडजस्ट द साइज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. सो यहाँ मीडियम साइज़ की कटिंग कर रहे हैं, विच विल बी फिट फॉर एवरी यंग गर्ल्स. देन उसके बाद आर्म होल के लिए हम गहराई दे देंगे, इस टाइप से आर्म होल की शेप दे देंगे. देन यहाँ हम 2-2 इंचज़ की लूजिंग लेते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क कर देंगे. सो यहाँ हमने 2-2 इंचज़ की लूजिंग देते हुए मार्क कर दिया है. इसके बाद हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे. नेक टेप के लिए हम 2.5 इंचज़ लेंगे. सेम नेक विथ के लिए भी हम 2.5 इंचज़ ही मार्क करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे. देन उसके बाद हम नेक की शेप ड्रॉ कर लेंगे. सो इस टाइप से हम राउंड शेप बना लेंगे. देन हम डाउन शोल्डर के लिए 1 इंच मार्क करेंगे. सो ये गाइस शर्ट कॉलर कुर्ती है, जिसके लिए हमें शोल्डर का डाउन थोड़ा ज़्यादा देना होता है नॉर्मल कुर्ती से. सो इसके बाद हम इसकी एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे, जो हमने मार्किंग की है उसकी कटिंग कर लेंगे. सो बेसिकली ये हमारा फ्रंट पार्ट कट कर रेडी हो जाएगा. फ्रंट बॉडीज़ की कटिंग हो गई है, देन इसके बाद जो हमने प्लेकेट मार्क किया था उसको अंदर की साइड हम फोल्ड कर देंगे. उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे. सो यहाँ हमने पेपर ले लिया है, 2 फोल्डेड पेपर, जिस पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे. सो प्लेकेट को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम रखेंगे. देन ऊपर की साइड से हम 1-1 इंचज़ का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए पॉइंट्स लगा लेंगे एंड इन लाइंस को इस टाइप से स्ट्रेट कर लेंगे. देन उसके बाद आर्म होल के लिए ड्रॉ करेंगे. सो आर्म होल के लिए हम 1/2 इंचज़ का बाहर की तरफ रखते हुए बैक पार्ट के लिए आर्म होल ड्रॉ कर देंगे. उसके बाद नेक के लिए 1 इंचज़ का नेक डीप एंड विथ के लिए 2.5 इंचज़ नेक विथ मार्क करेंगे. इसको कट कर देंगे, जो मार्किंग की है एज इट इज़ हम इसकी कटिंग कर देंगे. बेसिकली गाइस, शर्ट टाइप कॉलर कुर्ती की कटिंग इसी टाइप से होती है. उसके बैक पार्ट हमें 1 इंचज़ का एक्स्ट्रा लेना होता है. सो यहाँ दोनों ही पार्ट्स की कटिंग हो गई है, इनको एक साइड कर देंगे. देन उसके बाद जो फ्रंट पार्ट रह गया था नेक की कटिंग, उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे.
सो बेसिकली यहाँ हमारे फ्रंट एंड बैक पार्ट्स की कटिंग हो गई है। सो जैसे कि हमने पेपर्स की कटिंग की है, वैसे ही हम फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ फ्रंट पार्ट को मिड से हम कट करके टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जस्ट बिकॉज दिस इज़ द फ्रंट ओपन कुर्ती। सो इस टाइप से हम दोनों ही पेपर की कटिंग को अच्छे से फैब्रिक के ऊपर रख देंगे, देन इसको एज इट इज़ कट कर देंगे। सो गाइज यहाँ हमने फैब्रिक की कटिंग कर दी है, बट यहाँ हमने नेक की कटिंग नहीं की है, इसको जस्ट एज इट इज़ मार्क किया है। जो मार्किंग पेपर पे की थी वो हमने फैब्रिक पर भी कर ली है। देन इसके बाद गाइज हम फ्रंट पार्ट्स के लिए प्लेकेट्स रेडी करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैं पेस्टिंग पेपर कैनवास यूज़ कर रही हूँ, जिसकी विड्थ 1 इंच है। सो यहाँ कैनवास स्ट्रिप्स को पेस्टिंग साइड से रखते हुए आयरन से पेस्ट कर लेना है, अच्छे से इसको सेट कर लेना है। देन इसके बाद हम बचा हुआ फैब्रिक अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सेकंड फोल्ड करेंगे, ऐसे ही दूसरी साइड भी फोल्ड कर लेंगे। देन हम दो दो स्टिच दोनों ही प्लेकेट्स पर लगा देंगे एंड इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज यहाँ फ्रंट पार्ट के प्लेकेट्स रेडी हो गए हैं। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों के शोल्डर्स को एक साथ मिलाते हुए रखेंगे एंड रखने के बाद इसको शोल्डर से एक एक स्टिचिंग लगा देंगे। सो गाइज यहाँ हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स के शोल्डर्स को स्टिच कर दिया है एंड फ्रंट पार्ट्स पर जो नेक की मार्किंग की हुई थी उसको भी हमने एज इट इज़ कट कर लिया है। इसके बाद यहाँ हम इसको राइट साइड में टर्न करके एक साथ रख लेंगे। सो गाइज यहाँ हम इस टाइप से रखेंगे कि फ्रंट पार्ट थोड़ा सा आगे को करते हुए रखेंगे एंड दोनों ही पार्ट्स को एक साथ इक्वल कर लेंगे। सो इक्वल करने के बाद जो थोड़ा बहुत बैक पार्ट का फैब्रिक एक्स्ट्रा रह जाएगा उसको हम कट करके दोनों ही पार्ट्स को इक्वल कर लेंगे एंड उसको फिनिशिंग दे देंगे। सो इसके बाद गाइस हम कॉलर के लिए लेंथ मेजर करेंगे। सो यहाँ इस टाइप से हमने एक साइड से इंच टेप को रखा एंड हल्का हल्का राउंड करते हुए ले जाना है। सो यहाँ हमारे कॉलर की लेंथ 15 इंचेस आई है। सो 15 इंचेस का हमें कॉलर कट करना है, जिसके लिए फैब्रिक को टू फोल्ड कर देना है। सो यहाँ पेपर की हेल्प से हम कॉलर की कटिंग करेंगे। सो यहाँ 9 इंचेस पर लेंथ मेज़र करी है, उसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। कॉलर की विथ के लिए यहाँ हम 3 इंचेस पर मार्क करेंगे, दोनों ही साइड 3-3 इंचेस पर मार्क करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। सो गाइज वीडियो को इजी बनाने के लिए हम फर्स्ट कॉलर की कटिंग पेपर पे करेंगे। सो यहाँ 20 से हम हाफ इंचेस का ऊपर और नीचे मार्क करेंगे कॉलर में, देन उसके बाद हम कॉलर की लेंथ मेज़र करेंगे। सो लेंथ के लिए हम 7.5 इंचेस लेंगे। सो 7.5 + 7.5 = 15 इंचेस। सो कॉलर की लेंथ हमारी 15 इंचेस आई थी। इस टाइप से ये हमारा कॉलर की लेंथ 15 इंचेस रहेगी वन साइड से एंड सेकेंड साइड से थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ कॉलर रहेगा, जिससे शर्ट वाली कॉलर का लुक आएगा। सो इस टाइप से हमने कॉलर की मार्किंग कर दी है, ऐसे ही इसको एज इट इज़ कट कर लेना है। ब्लू वाले पार्ट को हमें कट करके कॉलर की कटिंग को एक साइड कर देना है। सो गाइस यहाँ कॉलर की कटिंग हो गई है, सेम कटिंग हम कैनवास के साथ भी करेंगे। सो यहाँ पर हम पेस्टिंग पेपर यूज़ कर रहे हैं, जिसे कैनवास भी बोलते हैं। सो कॉलर की कटिंग को इसके ऊपर रख के पिन से सिक्योर करेंगे, देन कट कर देंगे। इसके बाद इस पेस्टिंग पेपर को हम फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। सो इस टाइप से यहाँ हम फैब्रिक ले लेंगे, एक स्ट्रिप ले लेंगे, उसको टू फोल्ड करेंगे। टू फोल्ड करने के बाद पेस्टिंग वाली साइड को हम फैब्रिक से मिलाते हुए रखेंगे, देन उसके बाद ऊपर से आयरन कर देंगे। आयरन करने के बाद इसको सेट करके हम साइड से इस टाइप से स्टिचिंग लगा देंगे दोनों ही साइड से। सो यहाँ फैब्रिक को हमने स्टिच कर दिया है, नीचे की तरफ से हल्का सा फोल्ड करते हुए हम एक और स्टिचिंग लगा देंगे कैनवास के जस्ट किनारे पर। सो यहाँ हमने कैनवास के जस्ट किनारे पर तीनों तरफ से स्टिचिंग लगा दी है एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। कट करने के बाद हम कॉलर को राइट साइड में टर्न कर देंगे। सो इस टाइप से हम राइट साइड में टर्न करेंगे, सीजर या किसी की हेल्प से हम इसके कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। देन कॉलर को और ज़्यादा फिनिशिंग देने के लिए यहाँ हम साइड्स में कॉलर के बिल्कुल किनारों पर एक और स्टिचिंग लगा देंगे, इसको प्रेस स्टिच बोलते हैं। सो यहाँ हमारा कॉलर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, यू कैन सी द फिनिशिंग, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ रही है गाइस। सो इसके बाद हम कॉलर को टू फोल्ड करेंगे। टू फोल्ड करने के बाद इसके मिड में कट लगाते हुए हम इसका मिड मेज़र कर लेंगे, एक छोटा सा कट लगा देंगे।
देन इसके बाद हम कॉलर को बॉडीज़ के साथ अटैच कर लेंगे। सो यहाँ हमने कॉलर के मिड पॉइंट को बॉडीज़ के जस्ट मिड पॉइंट से मिलाते हुए रखना है एंड देन अल्पिन के साथ हमें सिक्योर कर लेना है। उसके बाद इस टाइप से पकड़ते हुए हमें एक कॉलर की एक स्टिचिंग लगा देनी है। सो इस टाइप से हम एक स्टिचिंग लगा देंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रह जाएगा सिलाई के बाद, उसको हम अंदर की साइड डालते हुए सेकेंड प्रेस स्टिच लगा देंगे। देन हमारा कॉलर बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ हमारा कॉलर बनके एकदम रेडी हो गया है। यू कैन सी द फिनिशिंग, इट्स लुकिंग सो फिनिशेबल एंड क्लीन। सो यहाँ कॉलर रेडी हो गया है। अब हम बॉडीज़ को रॉन्ग साइड में रख लेंगे। सो इस टाइप से हमने उल्टी साइड में रखते हुए साइड्स को भी स्टिचिंग कर लेना है। सो गाइज, यहाँ हमने साइड्स को भी फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिच कर लिया है। अगर आप चाहें तो अपनी फिटिंग से थोड़ा लूज़ भी रख सकते हो, जस्ट बिकॉज इस टाइप की कुर्तियाँ लूज़ भी बहुत अच्छी लगती हैं। बट मैंने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर स्टिच किया था। सो यहाँ हम आपको इसको अच्छे से सेट करके दिखा रहे हैं। ये हमारा टॉप पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू कट द स्लीव्स। सो स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे, एक फैब्रिक ले लेंगे। फैब्रिक को हम इस टाइप से 2 फोल्ड करेंगे, देन उसके बाद 4 फोल्ड कर लेंगे। Now you can see this is the 4 folded fabric here. गाइस, स्लीव लेंथ के लिए यहाँ हम 20 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड आर्म होल के लिए हम 9 इंचेस पर मार्क करेंगे। सो 9 इंचेस पर मार्क करने के लिए आर्म होल डीप मार्क करेंगे। सो आर्म होल डीप इज़ 2.5 इंचेस। सो यहाँ आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे। देन रिस्ट के लिए हम 6 इंचेस पर मार्क करेंगे। दोनों ही मार्किंग को मिला देंगे एंड स्लीव की कंप्लीट मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम स्लीव की एज इट इज़ कटिंग कर देंगे। सो कटिंग करने के बाद गाइस, हमें 2 स्लीव्स मिल गई है। एक स्लीव को एक साइड कर देंगे, नीचे से हल्का सा फोल्ड करते हुए हम सेकंड फोल्ड करेंगे। देन उसके बाद एक स्टिचिंग लगा देंगे। सो बेसिकली गाइस, दिस इज़ द फोल्डेड स्लीव जिस पर मैंने ऑलरेडी आयरन कर दिया है। मुझे किस टाइप से इस स्लीव को फोल्ड करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी आयरन करके लाइन बना ली है। सो हल्का सा इस टाइप से एक बार फोल्ड करते हुए सेकंड फोल्ड करेंगे एंड स्लीव को इस टाइप से सेट कर लेंगे। उसके बाद गाइस, हम एक 2 स्ट्रिप लेंगे एंड इस टाइप से हम आई डोंट नो व्हाट वी कॉल दिस, इस टाइप की लूप बना लेंगे एंड उसको स्टिच करके हम फोल्ड कर लेंगे राइट साइड में। सो यहाँ हमने इसको स्टिच करके राइट साइड में फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम इस पर एक और स्टिचिंग लगा देंगे प्रेस स्टिच। देन उसके बाद हम स्लीव की रिस्ट में जस्ट मिड में रखते हुए ऐसे अंदर की साइड एक स्टिचिंग लगा देंगे। सो गाइज, यहाँ स्लीव रेडी हो गई है एंड इसमें जो हमने स्ट्रिप लगाई थी वो लगने के बाद कुछ इस टाइप से लुक आ रहा है। एंड दिस इज़ द फोल्डेड स्लीव्स गाइज, जो शर्ट टाइप की कुर्तीज़ में यूज होती हैं। सो इस टाइप से हम स्लीव को 2 फोल्ड कर देंगे, देन उसके बाद अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग स्लीव की फिटिंग लगा देंगे। सो यहाँ हमने स्लीव को एकदम रेडी कर लिया है। इसको राइट साइड में टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यू कैन सी द लुक, इट इज़ लुकिंग सो प्रिटी एंड क्लीन। सो यहाँ दोनों ही स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब हम स्लीव्स को अपने टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर देंगे। सो यहाँ दोनों ही स्लीव्स को हम आर्म होल पर रखते हुए स्ट्राइप से दोनों ही स्लीव्स को बॉडीज के साथ अटैच कर देंगे एंड टॉप पार्ट को एकदम रेडी करके एक साइड कर लेंगे। नाउ लेट्स ओवर टू द नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप में हम बॉटम की कटिंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक ले लिया है विच इज़ 2 फोल्डेड एंड फोल्डेड साइड मेरी और है। देन इसके बाद गाइस, हम फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ मैं आपको अच्छे से दिखा दे रही हूँ, ये हमारा 2 फोल्डेड फैब्रिक है। इसको हम ऊपर की साइड से स्ट्रैप से पकड़ते हुए लाएंगे एंड फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। सो नाउ यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो गाइस, वीडियो को ईजी बनाने के लिए हम पेपर की हेल्प से आपको बताते हैं फैब्रिक को कैसे फोल्ड करना है। सो जस्ट सपोज दिस इज़ द फैब्रिक लेंथ विच इज़ 2.5 मीटर एंड दिस इज़ द विड्थ विच इज़ 60 इंचज। सो इस टाइप से हम फर्स्ट 2 फोल्ड कर लेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद दिस इज़ द विड्थ ऑफ द फैब्रिक एंड ऊपर से हम 4 फोल्ड कर लेंगे। सो यहाँ इस टाइप से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर दिया है। यू कैन ईजीली सी गाइज, पेपर एंड फैब्रिक दोनों को एक ही तरीके से फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे एंड लेंथ मार्क करने के बाद हम घेरा मार्क कर देंगे। देन उसके बाद हाई लो की भी मार्किंग करेंगे। सो हियर आई एम मार्किंग 14 इंचज़ फॉर वेस्ट।
सो गाइस यहाँ हम वेस्ट के लिए 14-14 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड दिस मेजरमेंट इज़ सुटेबल फॉर 28 इंचेस टू 32 इंचेस वेस्ट गर्ल। अगर आपकी फिटिंग 28 से 32 इंचेस है वेस्ट की फिटिंग, तो आप 14-14 इंचेस मार्क करके इजीली ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हो, जस्ट बिकॉज इसमें हम 2-2 प्लेट्स डालेंगे एंड अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग ही वेस्ट की फिटिंग को एडजस्ट कर लेंगे। सो गाइस यहाँ हमने वेस्ट के लिए मार्क कर लिया है, देन लेंथ के लिए यहाँ मैंने 32-2 इंचेस पर मार्क किया था जिसको मैं वीडियो में शूट करना भूल गई थी। सो यहाँ 32-2 इंचेस की लेंथ मार्क करते हुए हम बॉटम पार्ट की कटिंग कर देंगे। सो कटिंग करने के बाद यहाँ हमें 4 पीसेस मिल गए हैं फैब्रिक के, यू कैन सी। सो गाइज इसके बाद हम फ्रंट एंड बैक पार्ट को अलग करेंगे, जिसके लिए हम दूसरी साइड से चारों ही पीसेस को अलग कर देंगे। सो इस टाइप से बैक की साइड से हम जाकर क्लोज साइड को कट कर देंगे एंड कट करने के बाद यहाँ हम फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों को सेपरेट कर लेंगे। सो फर्स्ट यहाँ हमें बैक पार्ट मिल गया है। सो ये हमारा बैक पार्ट है, यू कैन सी दिस इज़ द बैक पार्ट ऑफ दिस ड्रेस। सो बैक पार्ट को हम एज इट इज़ एक साइड कर देंगे, देन उसके बाद फ्रंट पार्ट लेंगे। सो फ्रंट पार्ट के लिए बेसिकली हमें 2 पार्ट्स मिल गए हैं, ये पार्ट्स दोनों ही साइड से कट हैं। अब यहाँ पर हम स्ट्रिप्स यूज़ करते हुए पैकेट्स रेडी करेंगे। सो आई एम यूजिंग कैनवास पेपर, यू कैन से पेस्टिंग फैब्रिक ऑल्सो। सो यहाँ पेस्टिंग फैब्रिक को हम इस टाइप से पेस्ट करके आयरन करके 2 फोल्ड करते हुए इसको दोनों ही साइड से 1 टाइम फोल्ड करके सेकेंड टाइम फोल्ड करेंगे, देन उसके बाद हम दोनों ही प्लेकेट्स पर 1-1 स्टिचिंग लगा देंगे एंड बॉटम पार्ट को रेडी कर लेंगे। सो गाइज यहाँ हमने जो कैनवास स्ट्रिप लगाई थी उनको स्टिच कर लिया है, बेसिकली ये हमारे दोनों ही ओपन पार्ट्स रहेंगे। सो इस टाइप से इसको मिलाते हुए रखेंगे, देन इसके बाद हम लो के लिए कटिंग करेंगे, जो ड्रेस की हाई लो आएगी उसके लिए कटिंग करेंगे। सो यहाँ 26 इंचेस पर मार्क करके हम इस टाइप से एक सर्कल बनाएंगे जो लास्ट में जाके एकदम फिनिश हो जाएगा। सो ये हमारी हाई लो की शेप रहेगी, जो मार्किंग की है उसको एज इट इज़ कट कर देंगे। सो गाइज यहाँ हमने फ्रंट पार्ट को कट करके इसको लो पार्ट बना दिया है, जो जो ड्रेस का हमारा हाई लो पार्ट होता है बेसिकली वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसको बॉडीज़ के साथ अटैच करेंगे। सो यहाँ पर हम 2 प्लेट्स डालते हुए फ्रंट पार्ट में दोनों ही पार्ट्स में हम 1-1 प्लेट्स डालते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। सो जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में 2-2 प्लेट्स डाली हैं, इसी टाइप से हम बैक पार्ट में भी 2-2 प्लेट्स डालेंगे, देन उसके बाद हम वेस्ट से इसको स्टिचिंग लगा देंगे। सो गाइज यहाँ हमने बॉटम एंड टॉप पार्ट को वेस्ट से स्टिच कर लिया है, साथ में ही हमने यहाँ एक एक प्लेट्स डाल दी हैं। सो फ्रंट एंड बैक दोनों में ही 2-2 प्लेट्स डाल दी हैं, देन उसके बाद साथ में ही हमने बटन्स एंड कार्ज दोनों को रेडी कर लिया है एंड रेडी करने के बाद हम पॉकेट के लिए डिज़ाइनिंग करेंगे। सो पॉकेट के लिए फर्स्ट आई एम यूजिंग ए पीस ऑफ फैब्रिक जिसको हम इस टाइप से 4 फोल्ड कर लेंगे, यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो फर्स्ट पॉकेट के लिए यहाँ मैं मार्क करूँगी 7 इंचेस ऊपर की ओर, देन नीचे की ओर हम 6 इंचेस पर मार्क करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम दोनों ही डॉट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड नीचे की साइड से हल्की सी कर्व देते हुए हम पॉकेट की शेप दे देंगे, देन उसके बाद इसकी एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। सो यहाँ हमारी पॉकेट कट हो गई हैं, 2 पॉकेट्स, नीचे से भी इसको कट करके सेपरेट कर लेंगे। यहाँ हमारी 2 पॉकेट्स कट हो गई हैं, इसके बाद हम पॉकेट्स को साइड्स में अटैच करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैं 12 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। सो नीचे 12 इंचेस पर मार्क करेंगे, देन ऊपर की ओर हम 1.5 इंचेस पर मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो हमें इस स्ट्रेट लाइन पर ही पॉकेट अटैच करनी है बेसिकली। सो गाइस इस टाइप से हम पॉकेट को रखेंगे, रखने के बाद हम 7 इंचेस पर मार्क करेंगे, मार्किंग करने के बाद हम डॉट डॉट मार्क करेंगे। सो बेसिकली डॉट डॉट पर ही हमें एक स्टिचिंग लगानी है, ऊपर की साइड में मैं एक कट दे दूँगी। सो यहाँ हमें एक स्टिचिंग लगा देनी है डॉट डॉट्स पर। सो यहाँ हमने डॉट डॉट्स पर कटिंग लगा दी है, एक स्टिचिंग लग गई है। नीचे की साइड में जो मैंने मार्क किया था उसको भी मैं कट कर दूंगी। कट करने के बाद हम इसको इस टाइप से रखेंगे एंड एक और स्टिचिंग लगाते हुए पॉकेट को क्लोज कर देंगे। सो यहाँ हमने नीचे की साइड से भी एक और स्टिचिंग लगा दी है, पॉकेट को क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद हम राइट साइड में इसको टर्न कर लेंगे, सिलाई अंदर की साइड चली जाएंगी
इसके बाद हम पॉकेट को इस टाइप से अंदर की ओर डालेंगे। डालने के बाद जो हमने 1.5 इंचज़ का ऊपर की साइड कट किया था उसको बाहर की ओर निकालते हुए एक ऊपर की ओर स्टिचिंग दे देंगे। सो यहाँ हमारी पॉकेट कुछ रेडी हो गई है, हाफ रेडी हुई है। इसके बाद जो कुर्ती है उसको हम रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे। रॉन्ग साइड में टर्न करते हुए हम इस टाइप से फैब्रिक्स को रखेंगे एंड ऊपर की ओर से हम पॉकेट को क्लोज कर लेंगे, स्टिचिंग लगा देंगे। देन उसके बाद हम साइड को भी स्टिचिंग कर लेंगे। सो दोनों ही फैब्रिक को इस टाइप से एक साथ मिलाते हुए रखते हुए हम दोनों ही पॉकेट्स को स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ हमारी दोनों ही पॉकेट्स रेडी हो गई हैं। यू कैन सी ये अभी कुर्ती को उल्टा किया हुआ है, सो इसको हम राइट साइड में टर्न कर देंगे। सो गाइज, जब तक हम कुर्ती को राइट साइड में टर्न करते हैं, आप वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़, एंड मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना नहीं भूलना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट ड्रेस एंड कम्फर्टेबल ऑल्सो। सो यहाँ हमने कुर्ती की दोनों ही पॉकेट्स को रेडी कर दिया है। इसके बाद हम वेस्ट के लिए बेल्ट तैयार करेंगे। सो बेल्ट के लिए यहाँ हमने फैब्रिक ले लिया है जिसकी लेंथ 5 मीटर एंड विड्थ 5 इंचज रहेगी। आपको एक बार हम मेज़र करके दिखाते हैं इसकी विड्थ 5 इंचज है। नाउ हमें फैब्रिक को इस टाइप से 2 फोल्ड कर लेना है। 2 फोल्ड करते हुए हमें ऊपर से एक स्टिचिंग लगानी है स्ट्रेट। सो ये हम स्टिचिंग ऊपर से इस टाइप से लगाएंगे, देन नीचे की साइड से हम इसे क्लोज कर देंगे। सो यहाँ हमने 1 स्टिच लगा दी है। यू कैन सी बेल्ट की एक साइड को हमने ओपन रखा, दूसरी साइड को क्लोज रखा है। क्लोज वाली साइड से हम बेल्ट को राइट साइड में टर्न करेंगे। सो इस टाइप से आप सीजर या किसी पेन की हेल्प से बेल्ट को राइट साइड में फ्लिप कर सकते हो। यू कैन सी यहाँ हम फ्लिप करेंगे। सो इस टाइप से बहुत ही इजीली ये बेल्ट राइट साइड में फ्लिप हो जाएगी। फ्लिप करने के बाद गाइस बेल्ट की क्लोज वाली साइड को कट कर लेंगे एंड कट करने के बाद बेल्ट को इस टाइप से सेट करेंगे जो स्टिचिंग वाला पार्ट था वो इसके एज इट इज़ मिड में आ जाए एंड ऊपर से हम इसे आयरन कर देंगे। सो आयरन करने के बाद इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई है एंड ये बेल्ट वाला स्टेप भी फाइनल हो गया है। साइड से हम हल्का सा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक स्टिचिंग लगाकर बेल्ट को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस फाइनली हमारी कुर्ती एकदम रेडी हो गई है। यहाँ हमने बेल्ट को रेडी कर लिया है इसके लिए। सो यू कैन सी इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है आयरन करने के बाद। ऐसे ही हम इस कुर्ती को नीचे से भी फोल्ड करेंगे। सो 1 फोल्ड करते हुए हम सेकंड फोल्ड करेंगे, देन उसके बाद स्टिचिंग कर देंगे। सो यहाँ हमारी कुर्ती एकदम रेडी हो गई है। नीचे से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। साथ में हमने 2 लूप्स लगाकर फ्रंट एंड बैक में फॉर बेल्ट हमने इस कुर्ती को कंप्लीट कर दिया है एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें टाई भी कर सकते हो, उसको ओपन करके भी पहन सकते हो, किसी भी टॉप वगैरह में आप पहन सकते हो। इसका लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। सो गाइज, अगर आपको इस टाइप की और ड्रेसेस चाहिए देन मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड माई इंस्टाग्राम लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइज, दिस इज़ द मोस्ट यूनिक ड्रेस जिसे मैंने छोटी सी वीडियो में सारे स्टेप्स को क्लियर करने की कोशिश की है। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।